देशित में अब बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। यूक्रेन पर कब्जे के बाद जिनका जोश हाई है और यूक्रेन का समर्थन करने वाले देश पुतिन का जोश देखकर टेंशन में हैं। अब अमेरिका और यूरोपीय देशों को पुतिन से दोहरे हमले की चिंता सता रही है। अब अमेरिका और यूरोपीय देशों को अंतरिक्ष में घूम रही अपनी सैटेलाइटों पर भी खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रिटिश नेवी के एक अफसर ने रूस के साथ स्पेस वॉर की आशंका जाहिर की है। यह डर इसलिए भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि रूस के पास स्पेस में हमले की ताकत मौजूद है। इसके अलावा अब यूक्रेन में परमाणु हमले की आशंका भी बढ़ गई है। पुतिन की परमाणु धमकी के बाद अब उनके करीबी सहयोगी चेचन लीडर रमजान कादिरोव ने यूक्रेन पर परमाणु हमले की सलाह दी है। यानी यूरोप से अमेरिका तक पुतिन के डबल अटैक का डर चल रहा है। यूक्रेन के चार इलाकों पर कब्जे के बाद पुतिन क्या करने वाले हैं? क्या पुतिन अब परमाणु धमाका करेंगे? क्या पुतिन अब अंतरिक्ष में तबाही मचा देंगे? या फिर रूस को घेरने वाले यूक्रेन के साथियों को पुतिन जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक बहुत बुरी सजा देने की तैयारी कर चुके हैं। इस वक्त यूक्रेन का साथ देने वाले पश्चिमी देशों में खलबली मची हुई है और वो बार बार रूस की तरफ से आने वाले खतरे को हल्के में ना लेने की बात दोहरा रहे हैं। पहले आप समझिए, कुछ दिनों पहले तक पुतिन को चुका हुआ मान रही दुनिया को अब पुतिन से डर क्यों लग रहा है? पुतिन पहले ही पश्चिमी देशों को परमाणु धमकी दे चुके हैं और अब पुतिन के करीबी चेचन लीडर रमजान कादिरोव ने भी पुतिन को यूक्रेन में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की सलाह दे दी। दूसरी ओर ब्रिटिश नेवी के वरिष्ठ अफसर ने इस बात की आशंका जाहिर की है कि पुतिन अब पश्चिमी देशों को अंतरिक्ष में निशाना बना सकते हैं। ये दोनों खबरें रूस के दुश्मनों का होश उड़ाने के लिए काफी हैं। चलिए अब हम आपको एक एक करके पुतिन के डबल अटैक की आशंकाओं के सच होने के संकेतों के बारे में बताते हैं। पहले बात यूक्रेन पर परमाणु अटैक। इन तस्वीरों को देखिए, ये पूर्वी यूक्रेन का लाइमन इलाका है। यहाँ पर यूक्रेनी सैनिक यूक्रेन का झंडा लहरा रहे हैं। इसके अलावा इस पुलिस स्टेशन में रूस के कब्जे वाली प्लेट भी हटाई जा रही है। खास बात यह है कि कुछ दिनों पहले तक लाइमन पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना का एक प्रमुख गढ़ था। यहीं से यूक्रेन में तैनात रूसी सेना को रसद और हथियारों की सप्लाई की जाती थी, लेकिन अब इस इलाके में रूस की सेनाओं को पीछे हटना पड़ा है। इसकी वजह खुद रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता से सुनिए। Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении. В связи с созданием угрозы окружения, союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи. वैसे यहाँ से जाते जाते रूस ने इतनी मिसाइलें बरसाई कि 200 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक, 5 टैंक और 9 सैन्य वाहन नष्ट कर दिए। लेकिन यहाँ से रूस की सेना के हटने की खबर पुतिन के कटप्पा कहे जाने वाले चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को नाराज कर गई। इसके बाद मरियोपोल और सुमी में तबाही मचाने वाले चेचन कमांडर ने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन पर परमाणु बम इस्तेमाल करने की सलाह दे दी। मेरी व्यक्तिगत राय में सीमा पर अधिक कठोर उपाय किए जाने चाहिए। इसमें मार्शल लॉ की घोषणा और कम क्षमता वाले परमाणु हथियारों का उपयोग तक शामिल है। जिस समारोह में पुतिन ने यूक्रेन के चार इलाकों को रूस में शामिल किया, कादिरोव वहां पर भी मौजूद थे। और पुतिन के लिए उनकी बात के मायने क्या है, आप विशेषज्ञों से सुनिए। जो रमजान कादिरोव है, जो चेचेन के लीडर है, वो भी बार बार उनको यही एडवाइज कर रहे हैं पुतिन को कि आप न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन को संभाल करें। तो ये सच्चाई है, ये मानना पड़ेगा कि जो चेचन लीडर रमजान कादिरोव है, ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज माने जाते हैं पुतिन के फिलहाल कुछ सालों से, और अब उनकी भी यही एडवाइज है। खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि पुतिन खुद परमाणु धमकी दे चुके हैं और अमेरिका के एनएसए इसे हल्के में लेने को तैयार है। वहीं पुतिन ने भले ही यूक्रेन को संघर्ष विराम का ऑफर दिया हो, लेकिन उनके रक्षा मंत्री सैनिकों की भर्ती करवा रहे हैं और खुद इस पर नजर भी रख रहे हैं। यानी रूस का खतरा अभी टला नहीं, लेकिन खतरा
यूक्रेन नहीं यूरोप को भी है, और ये खतरा जमीन नहीं बल्कि अंतरिक्ष में आएगा। ब्रिटेन की रॉयल नेवी के वरिष्ठ अधिकारी एडमिरल सर टोनी राडाकिन ने आशंका जाहिर की है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों पर अंतरिक्ष में हमला हो सकता है। रूस पृथ्वी की सतह के ठीक नीचे हमला कर सकता है। रूस के पास ऐसे हमले की क्षमताएं मौजूद हैं। सैटेलाइटों को नष्ट करके रूस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। सच्चाई ये है कि पिछले साल नवंबर और इस साल जनवरी में रूस अपने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में उड़ाकर अपनी ताकत दिखा भी चुका है। दो चीजों में रूस ने काफी तरक्की की है, एक तो स्पेस के अंदर जो की है और एक हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ये सच्चाई है, अगर रूस ऐसी बात कुछ कह रहा है या रूस से ये इंटेलिजेंस मिला है तो ये पुख्ता इंटेलिजेंस है और रूस किसी हद तक जा सकता है और वो स्पेस के अंदर जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाली है या जो GPS है उनको बर्बाद कर सकता है। साफ है यूक्रेन के 15% इलाके पर कब्जे के बाद पुतिन के हौसले बुलंद हैं और यूरोप घबराया है, कहीं यूक्रेन के बाद पुतिन के निशाने पर यूरोपीय देश ना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।